ये जो बंदा है ना, इसने आधी रात को डंडा कर दिया कि भाई अभी चलना है ट्रिप पे। बाकी भाई अभी मैंने सोचा है कि अभी मैं वीडियो कॉल करूंगा सागर तिवारी को। तो ये दो लोकेशन है जो मेजर मेरे दिमाग में है, इस बार मैं इस ट्रिप पे शूट करूंगा। इसके अलावा भी कुछ और वांटेड वीडियोस भी आएगी। बंदे कमेंट कर रहे हैं सच तिवारी फेक तिवारी बन चुका है। What's up, ladies and gentlemen? Welcome back to the another video. और अभी ताज़ा ताज़ा आप लोग देख रहे होंगे, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी हमने, जिसका रिप्लाई भी दे दिया है सागर ने। जो हमने कंट्रोवर्सी करके चैलेंज दिया था, कंट्रोवर्सी नहीं कहूँगा, वो एक फ्रेंडली चैलेंज था जो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बाकी यार ये ना मूर्थल के अंदर ये है, क्या नाम था इसका, अरे इसका क्या नाम था, हवाई अड्डा, हवाई अड्डा मूर्थल, मूर्थल हवाई अड्डा नाम से ये है। दो एरोप्लेन बिठा के इन्होंने यहाँ पे सेटअप कर रखा है रेस्टोरेंट का। तो इसमें भी हम जाके आए थे, इस पे हमने ज्यादा कुछ तो खाया नहीं, पर इन्होंने ना सालों ने हमें शूट नहीं करने दिया अंदर। बता भाई ऐसा क्यों, मारे पकड़ गए? मारे नहीं, इनको समझ में नहीं आया कि अगर हम इनका शूट करेंगे तो प्रमोशन इनका ही होगा ना। अच्छा भाई, इस ट्रिप की सबसे अच्छी बात पता क्या है, कुछ ऐसी वीडियोस की डिमांड थी जो आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे, और आप लोगों को लग रहा था कि यार राजेश इग्नोर मार रहा है, हम इतना कमेंट करके इसको बोल रहे हैं ये सुन ही नहीं रहा है, हम बोले जा रहे हैं हर वीडियो में बोले जा रहे हैं फिर भी ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो इस ट्रिप की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी वो सारी डिमांड पूरी करूंगा इस ट्रिप में। मैं बता देता हूँ कौन सी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही मेजर डिमांड, बहुत ही बड़ी डिमांड अंबाला हॉन्टेड होटल की, वो इस ट्रिप में पूरी करूंगा। एक और बहुत ही मेजर डिमांड, चुड़ैल बावड़ी शिमला, वो ऐसी लोकेशन है जहां पे मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर दो बार शूट करे है, दो महीने में लगातार दो बार शूट करे, दोनों बार मेरे शूट फेल हो गए वहां पे उस हॉन्टेड लोकेशन पे। अपने अपने रीजंस थे, जिनको पता उनको पता है, जिनको नहीं पता जब मैं अब की बार शूट करूंगा तब मैं वो रीजंस बताऊंगा। तो ये दो लोकेशन है जो मेजर मेरे दिमाग में है, इस बार मैं इस ट्रिप पे शूट करूंगा। इसके अलावा भी कुछ और हॉन्टेड वीडियोस भी आएगी इस ट्रिप पे, कुछ नॉर्मल वीडियोस भी आएगी जैसे ये है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन वीडियोस पे भी प्यार दो। और एक काफी अच्छी बात है, कुछ हमारा ऐसा प्लान बन रहा है, आपको पता है अभी रिसेंटली सागर की और मेरी कुछ बैट लगा, कुछ चैलेंज लगी है, तो उसमें यही है कि भाई हो सकता है इस ट्रिप पे मुझे और गौरव को ज्वाइन करे सागर। अभी कंफर्म नहीं है, 50-50 वाला चांस है, 100% कंफर्म नहीं है, इसलिए 100% मैं बोल नहीं रहा हूँ, 50-50 वाली बात है। कुछ हमारी बातें चल रही है, हो सकता है कल की डेट में सागर भी हमारे साथ शोगी में हो। अभी हम शोगी जा रहे हैं सीधा। भाई सुबह के बज गए 5:30 और रात को डिनर करने का प्लान था, लेकिन आते टाइम पे एक भी ढाबा एक भी रेस्टोरेंट खुला नहीं मिला। यहाँ पे ना एक छोटी सी काट लगा रखी है एक अंकल ने, यहाँ पे मैगी और ऑमलेट मिल रहा है, तो इनसे दो मैगी और दो ऑमलेट बोले थे, अभी एक मैगी आई है। और ना ये हमारा भाई गौरव है ना, इसकी थोड़ी सी जीभ लपलपा रही है, खाएगा खाएगा और ठंड हो रही है तगड़ी। भाई साहब गरम गरम माल का ऑमलेट और मैगी तो तैयार होगी हमारी। मेरे को बस एक छोटा सा डाउट आ रहा है, वो मेरे को कोई क्लियर कर दे तो सही रहे, कि जब हम कोई चीज लेते हैं तो हम दुकान वाले को पैसे देते हैं और वो हमें चीज वापस देता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है। दुकान वाले ने पैसे दिए गौरव को, तुमने वीडियो में देखा है, और उसके बाद में जब मैंने अंकल की तरफ कैमरा करा ना, अंकल ऐसे कर रहे थे प्रमोशन किया है, प्रमोशन किया है अंकल का। वो जो पैसे वो मेरे को मिला मेरे व्लॉग्स में। समझने वाले समझ गए। ऑल राइट गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी मंजिल पे, और बहुत ही स्पेशल लोकेशन पे। कहाँ पे है भाई अभी हम? ये भाई हम शोगी में हैं, TNF नेचर स्टे नाम से कोटेज है यहाँ पे, मेरी एक फ्रेंड है नेहा, उन्हीं का ये कोटेज है, और यहाँ पे हम स्टे करने वाले 2 दिन के लिए। शोगी में बता देता हूँ जिसको नहीं पता, शिमला से 10-12 किलोमीटर पहले पड़ता है शोगी। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा खुला खुला एरिया है, शिमला में बहुत ज्यादा क्राउड है, तो इस बार हमने शिमला में स्टे करना प्रेफर नहीं किया, हमने कहा इस बार शोगी में स्टे करेंगे। और मैं आपको ना रूम दिखाता हूँ, ये रूम भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो स्पेशल इसलिए है भाई क्योंकि ये देखो ये टेरेस है, यहाँ पे ओपन कैफे बना रखा है इन्होंने, ठीक है, और व्यू बहुत ही जबरदस्त है। अभी थोड़ी सी धूप निकली हुई है इसलिए
आपको शायद ज़्यादा ढंग से ना दिखे, बट बहुत ही अल्टीमेट व्यू है यहाँ से, ओपन व्यू। और इसी टेरेस पे ना ये एक स्वीट रूम है 2BHK का, यहाँ हमने स्टे करना 2 दिन। तो ये देखो, एक तो ये वाला रूम हो गया, ठीक है, इधर वॉशरूम वगैरह है। बाकी ये देखो, ये है मेन चीज़, एक रूम हो गया ये, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ से व्यू भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ ही से ना एक सीढ़ी जा रही है, वुडन सीढ़ियाँ ऊपर, ये देखो आप इन स्टेयर से ऊपर जाओगे तो आपको एक और अल्टीमेट चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए, बिल्कुल ज़बरदस्त व्यू यहाँ से। और यहाँ पे भी एक डबल बेड है, तो 4-5 बंदे 6 बंदे अपने हिसाब से सेट हो सकते हैं, इसलिए मेरे को ये काफ़ी प्यारा लगा रूम। नेहा तो अभी यहाँ पे है नहीं, वो तो मैंगलोर गई हुई है, लेकिन मोहित जो उनका पार्टनर है वो यहीं पे है, अभी मैं मिलवाता हूँ उनसे भी। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है वो, बहुत ही प्यारा नेचर। और ये बंदा उसका एकदम अपोजिट, बहुत ही बेकार इंसान। अरे दिखा दे शक्ल अपनी, क्या कर रहा है? वैसे यहाँ पे पहुँच तो हम सुबह 10 बजे ही गए थे, 12 बजे निकले थे, 10 बजे के आसपास पहुँच गए थे, बीच में थोड़ा रुक रुक के भी आए थे। लेकिन भाई तुम्हें पता है, नाइट में ड्राइव करा था, खासकर मैंने, ये तो सोता हुआ आया था पूरे रास्ते। ड्राइवर मैं था भाई, आधा शिमला मैंने कवर किया, 30 किलोमीटर पहले ले ली इसने गाड़ी। पता है क्या, हम थक गए थे दोनों ही, हम आए, हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम सो गए, फिर अभी उठे थे 3 बजे, फिर हम नहाना धोना करके तैयार हो गए, रेडी हुए। अब तुम्हें ये कॉटेज वगैरह रूम वगैरह दिखाया है, ये अब हिम्मत आई है शरीर में थोड़ी सी, है ना। और कॉटेज एक बात होता है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए यहाँ पे? आना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए। नीचे भी रूम है, ऊपर भी एक और रूम है, हाँ स्पेस बहुत बढ़िया है यहाँ का। हमने तो यार ये वाला लिया, ये एक ही रूम है यहाँ पे, तो जैसे फ्रेंड सर्कल आ जाता है ना, 5-6 बंदे आगे, 7 बंदे आगे, उनको भी अकोमोडेट कर सकते हैं। बाकी भाई अभी मैंने सोचा है कि अभी मैं वीडियो कॉल करूंगा सागर तिवारी को, और जो तुम्हें पता है चैलेंज चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट कर लेते हैं हम दोनों भी आपस में, कैसे क्या प्लान करना वो सोच लेते हैं, और आप लोगों को भी अपडेट मैं देता रहूंगा भाई, जैसे जैसे जो जो होता रहेगा। मेरी उससे पहले फोन पे थोड़ी सी बात हुई थी, मैंने कहा भाई ये काम करेंगे, अभी कुछ नहीं करते हैं, वीडियो कॉल पे ही ना साथ में डिस्कस करेंगे, और जितना हो सकता है रो रखेंगे। भाई तुम अपने आप को सच्चा बोलते हो तो सारी चीजें रो रख के चलेंगे, कैसे क्या प्लानिंग हुई, कब का शूट है, कब का नहीं है, सब चीजें रो रखते हैं, ऑडियंस के सामने रखते हैं, फिर भाई ऑडियंस अपने आप डिसाइड कर लेगी कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो मैं करता हूँ अभी उसको वीडियो कॉल। चलो जी, फोन मिला दिया हमने सागर तिवारी को। सच तिवारी है क्या? बंदे कमेंट कर रहे हैं सच तिवारी फेक तिवारी बन चुका है। बंदे कमेंट कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग इंडिया, बस बातें करता रहता है। कौन सी बातें हैं? फालतू की बातें, फालतू की बातें भाई, हम तो भूत दिखाते नहीं। क्यों भाई, तुम्हारी लाइटें जलती है लोकेशन पे। हाँ वो दिखाया था ना ऐप वाली वीडियो में, एक ऐप की वीडियो में कह रहे थे लड़की खड़ी है इसके अंदर, दिखा रहा है ऐप के अंदर लड़की खड़ी है। तो वो तो मैंने क्या बोला था, क्या बोला था? मैंने पूरी नहीं देखी, मेरे पे तो क्लिप भेजी थी भाई, मैं देखता नहीं ना फेक लोगों की वीडियो, मेरे पे तो किसी ने क्लिप भेजी थी। लोग भेजते हैं ना मेरे पास क्लिप काट काट के, गए भाई यहाँ पे चूतिया बना रहा है। कोई नहीं, कोई भाई हम चूतिया बना रहे हैं, लोग बन रहे हैं, अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, ये बताओ शूट का क्या सीन है, अपडेट दो भाई, चैलेंज कर लिया एक्सेप्ट, कब करोगे शूट, कहाँ करोगे शूट? कोई हॉन्टेड लोकेशन में करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं है ना भाई, कल को कोई हॉन्टेड लोकेशन नहीं हुई, कल को तू बोल दे भाई यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरे तो हर वीडियो में तो ये सब होता नहीं है। अच्छा, 2-4 चलते हैं जेन्युइन लोकेशन पे, हफ्ते भर में प्लान कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, देख लेते हैं, दूध पानी सब कुछ कर लेंगे, कौन फेक है कौन झूठा है कौन सच्चा है सब कुछ कर लेंगे भाई। बदनामी होने वाली है तुम्हारी भाई, तू भी तैयार हो जा। ज्यादा है 7.5 है मेरी, ज्यादा बदनामी होगी। अच्छा भूत होते हैं? बिल्कुल होते
भूत होते हैं, एनर्जी होती है, क्या होती है? जब भूत भी होता है, मैं भूत वैसे दिखने वाला भूत कह रहा हूँ मैं, दिखने वाला भूत होता है जो दिखता है, नुकसान पहुंचाता है। दिखने वाली चीज होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन किसको क्या अपनी प्रेजेंस दिखा सकता है। अच्छा, वो जो चीज दिख रही हो वो मुझे भी दिख रही हो सकता है, जो मुझे दिख रहा हो तुझे नहीं दिख रहा हो, मुझे क्यों नहीं दिखता? क्योंकि तू चश्मा पहन रहा ना अभी इस टाइम पे, इसलिए तो नहीं दिख रहा तेरे को, बोलिया ना ना, मुझे क्यों नहीं दिखता? मैं भी तो जाता देखो तो मेरे हूं, को, मैंने कब बोला मुझे कुछ दिखा है? मैंने तो ई एम ए मीटर भी यूज करा है, मेरे को तो मीटर में भी कोई सिग्नल नहीं मिलते। अच्छा, भाई तो जनरल लोकेशन पे जाओ ना, सिग्नल जेन्युइन लोकेशन पे नहीं गया मैं कभी। क्या पता मिल जाए, चलो तुम ले चलना जेन्युइन लोकेशन पे, 4-5 गैजेट सारे यूज कर लेंगे, भूत दिखाओगे ना पक्का? ठीक है भाई, ठीक है, पर गालियां बहुत खा रहे हो भाई तुम, गालियां पड़ रही है कमेंट्स में कोई नहीं भाई, तेरे वाले मुझे दे रहे होंगे, मेरे वाले तुझे दे रहे होंगे, ना, कोई मुझे नहीं दे रहा कोई। चलो कोई नहीं भाई, हमारा सिर्फ यही था, अपडेट देनी थी आप लोगों को कि हाँ हमारी बातचीत चल रही है, काफी लोग बोल रहे थे कि चैलेंज एक्सेप्ट हो गया, अब आगे का क्या सीन है। तो हमारा सीन यही है कि हमारी बातचीत चल रही है शूट की, और जल्दी 3-4 वीडियोस अलग अलग हॉन्टेड लोकेशन पे शूट होगी, उसके बाद पता चल जाएगा रियलिटी क्या है। वैसे हमें पता ही है कि भाई ये सागर फेक है, हमें ये चीज पता ही है पहले से, है ना भाई? तो लोगों को भी पता चल जाएगी। भाई वही 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 बात हो जाती है ना, आवाज कटी गई तुम्हारी, आवाज कटी गई, आवाज कट गई, दोबारा बोलो। मेरे लिए कौन है जेन्युइन? मेरे लिए इस टाइम पे एक भी जेन्युइन नहीं है, तुम्हारे लिए कौन जेन्युइन है अभी? ये तो भाई मेरा डायलॉग कॉपी किया जा रहा है, मैंने बोल दिया ना वीडियो नहीं देखता, वही डायलॉग दोबारा कॉपी हो रहा है। एक मिनट, कट रही आवाज, दोबारा दोबारा बोलो, आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। अच्छा भाई, वो पता है क्या, अगर कंटेंट अच्छा होता है ना तो फिर बंदा देखता है अपनी वीडियो दोबारा। अब जिसको पता है जिसका कंटेंट ही खराब है वो क्यों देखेगा यार। कोई नहीं भाई, मिलके करते हैं सारी बातें, अपडेट दे ही दिए लोगों को, ठीक है? ओके ओके, ठीक है भाई।